लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, किसानों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, किसान और खेती दोनों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष सारे देश में चल रहा है, और उत्तराखंड कांग्रेस भी उसके हिस्से के रूप में आज बाजपुर से लखीमपुर तक मार्च कर रही है। और पहले हम सीतापुर तक मार्च था, क्योंकि सीतापुर में उन्होंने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा था। अब सरकार झुकी, उन्हें प्रियंका गांधी जी को रिहा किया है, तो अब हमारा जो संघर्ष स्थल है, एक जो भावनात्मक हमारा संघर्ष है, अब वो लखीमपुर खीरी के किसानों के माध्यम से सारे देश के किसानों, जिसमें तराई के किसान भी हैं, उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए है कि देश तुम्हारे साथ है, कांग्रेस तुम्हारे साथ है। सिंगल पर्सन कमेटी को डिसाइड कर दिया है इसके लिए, और इंक्वायरी शुरू कर दी है, हेडक्वार्टर लखीमपुर खीरी रखा गया है। ये हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है जी, एक गवर्नमेंट ने कमेटी नहीं, जो गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, किसी का यकीन उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं है, और ये लीपापोती ना हो इसलिए मैं सभी नागरिकों की, सब लोगों से जो लोकतंत्र प्रेमी हैं, उन ताकतों से कहना चाहता हूं कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार की किसी घोषणा को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए, आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। यदि हम गाफिल हो जाएंगे तो ये इनकी तानाशाही और बढ़ जाएगी। सर, कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया पूरे प्रकरण का। ये इसका अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार न्याय देने में विफल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रियंका गांधी जी को भी परिवारों से मिलने नहीं दिया जिनका वो नहीं, अब मिलने दिया है, लेकिन जन दबाव में मिलने दिया है। जब इस तरीके के प्रदर्शन और उनकी बात आई तब मिलने दिया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।